अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ, आला हजरत का तूफानी फतवा लेके आऊँ। ये उनका एक मानने वाला पीर साहब है, जमाली बाबा है, उसकी एक वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें इनके मुताबिक, इनके कॉल के मुताबिक बहुत सारे हवाले भी दे रहा है कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने मोमबत्ती से बात की, आग से बात की। ये इन लोगों का फतवा है, लेकिन ये मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने से पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझ पे कादियानी होने का फतवा ना लगा देना, ये फतवा ना लगा देना कि यार ये तो अहले बैत से नफरत करता है, आले नबी से बुग्ज रखता है। तो मेरे भाई ऐसा कहीं पे भी नहीं है, मैं आले बैत से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। लेकिन जो झूठ है मेरे भाई वो झूठ है, जो कहानी है वो तो कहानी है। मेरा मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ झूठ और कहानी को हाईलाइट करना है। तो आप लोग तूफान में दिया गया तूफानी फतवा देखें, लेट्स सी द वीडियो। ये हमारे आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कुछ लिख रहा था, ये हमारे आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कुछ लिख रहा था और शमा जल रही थी और शमा उधर से आंधी आई, आंधी आंधी है नर्म नर्म अजबस में दामन रफ्ता बाद तुंग, फरमाया उधर से तेज आंधी आई, इधर देखना जी पकड़ना जी, मैं तुम्हें करके दसन लगा, थोड़ा जहा तू रस्ता थोड़ा जहा दिया, बैठे रहना, उठना नहीं, उठना नहीं, खैर है थोड़े इधर हो जाओ, इधर देखो आप, इधर मुझे देखो, ये इधर से मैं डोर से आऊं, गुस्से से आऊं, इधर मुझे देखना, इतने गुस्से से मैं हूं जैसे मैं आपको कुछ सजा देने वाला हूं, इतने गुस्से से मैं बड़ी तेजी के साथ हूं और करीब आकर मैं ये इनसे कहूं बोलो हैरत होगी कि आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं आंधी आई चिराग बुझाण, आंधी कदे आई जी चिराग बुझाण आई, आंधी बड़ी शिद्दत दी आई ते मेरी बत्ती बजाए बुझण दे, बजाए वो तेज होगी, मैं हैरान रह गया ये बत्ती बुझी नहीं। अल्लाह क्या बात है, ये जुमला भी अल्लाह करे तो मैं हैरान हो गया, ये बत्ती बुझी नहीं, नहीं तेरी रोशनी तेज हो गई, तो मैं कान ला के अंज सुने बत्ती ने की वो आवाज लगे ना फड़ 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 की आवाज आती है ना, फरमाया जो मैं कान ला के सोए तो मोमबत्ती कह रही थी यारी मदद, आगे तेरा के बोलो यारी। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी है, वीडियो आप लोगों के सामने चली है, बस इनका मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ शिर्क सिखाना है, कब्र परस्ती को प्रमोट करना है, चाहे ये लोग अंबिया के नाम पे करें, चाहे ये लोग सहाबा के नाम पे करें, चाहे ये लोग बुजुर्गों के नाम पे करें, मतलब इनका मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ शिर्क फैलाना, शिर्क सिखाना है। अंबिया से शुरू होते हैं, सहाबा तक, फिर बाबों तक, अलमद गौस वगैरह वगैरह करके नाउज़ बिल्ला ये अवाम को सिर्फ और सिर्फ शिर्क की तालीम दे रहे हैं, वरना हवाओं में मेरे भाई किसका राज है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हुकूमत है, अल्लाह ताला के ताबे ये हवाएं, ये आग, वो चाहे तो जिसको जिस पे चाहे ठंडी कर दे, आग भी ठंडी हुई है अंबिया पे। तो मेरे भाई यहाँ पे ये लोग नऊज़ बिल्ला उसी आग को लेकर शिर्क सिखा रहे हैं कि आला हजरत ने कान लगा के सुना, ऐसे कान लगाया, मोमबत्ती बोली, आग बोली, या अली मदद। वो मेरे भाई वो मौलवी तो नहीं है, वो आग वो इस तरह का जाहिल मौलवी तो नहीं है, या वो हवा इस तरह का मौलवी तो नहीं है जो आएगा कहानी बनाएगा, आगे पास आएगा तो बजाय आग को बुझाने के वो आंधी तेज कर देगी, वो तूफान आग को तेज कर देगा, और वो जो आग थी बजाय बुझने के वो कहेगी या अली मदद। वो मेरे भाई खुदारा खुदारा आवाम को बेवकूफ बना रहे हो या फिर उस आग को बेवकूफ बना रहे हो, मेरे भाई धोखा किसको दे रहे हैं आप लोग, खुद को दे रहे हैं या अल्लाह को दे रहे हैं? चलो ये आवाम तो है जैसी तो जैसी है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि आप अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। आग अल्लाह की मखलूक है, हवा अल्लाह का मखलूक है, उनको पता है, उन सबको पता है, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे, वो जब भी कहेंगी या अल्लाह मदद कहेंगी, उनको पता है अल्लाह का, वो जाहिर मौलवियों की तरह नहीं है कि या गौस पाक अल मदद या फलाना अल मदद या बाबा जी अल मदद वगैरह वगैरह।
तो मेरे भाई बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये कहानी एंजॉय की होगी, हंसी भी आई होगी, पता नहीं समझ नहीं आती कि यार हंसना है कि रोना है। बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शिर्क से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।